किन मुद्दों को लेकर आज हम लोग का मुद्दा अनेक है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है किसान बिल जो आया था उसके ऊपर है। कारपोरेट घराने के जो फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जो उपजाव लाए हैं उसी उद्देश्य को हम लोग को मांग करना है। आप जानते हैं जब कोरोना काल जब आया तो बहुत सारे ऐसा कोरोना बहुत सारे ऐसा कारपोरेट घराना था जिनका बिजनेस में घाटा हुआ, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए इन सारी चीज़ों को रचा गया है। रचना आप ये भी जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप को लमसम 55 से 56 हज़ार करोड़ का यहाँ बिजनेस दिया गया है। इसी तरह से गूगल को भी बिजनेस दिया जा रहा है। इन सारी बातों को उन लोगों ने अपने आप में दिमाग में रखा कि आखिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। सांप्रदायिक ताकत जो है हमको फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, उनके दिमाग में डाला गया कि आपके यहाँ रिटेल जो बिजनेस है वो लमसम 12,000 अरब का है, वो किसी तरह से हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाए और हम लोग अपना बिजनेस आपके देश में आपके राज्य में करेंगे। और उसी उद्देश्य को देखते हुए इन लोगों ने बिजनेस किया, ये तीनों बिल लाया गया। आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो कॉरपोरेट घराना है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोग से लिया जाता है 16 रुपये 18 रुपये गेहूँ, 12 रुपये गेहूँ, 10 रुपये गेहूँ, 5 रुपये आलू, और उसी को ब्रांडेड कर करके 40 रुपये 45 रुपये किलो आटा बेचा जाता है। 5 रुपये हम लोग से आलू लिया जाता है, उसी को 400-500 रुपये जो हम लोग बच्चा लोग खाता है जो कहता है पैकेट में क्या मिलता है, चिप्स। अब पुराने जमाने के लोग हम लोग हैं तो उतना नहीं जानते हैं। हाँ, आलू का चिप्स जो बेचा जाता है 500-600 रुपये किलो बेचा जाता है, जो कि 5 रुपये किलो का चीज़ आलू का है। इसी तरह से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज पता होगा आप लोग को कि हमारे हिंदुस्तान के हमारे बिहार के लोग लमसम 2,000 से 2,200 लोग प्रतिदिन किसानी छोड़ने से बेबस हैं। अपराध बड़ी बढ़ रहा है तो अपराध कैसे कंट्रोल होगा? और किसानी छोड़कर अपने अपने लोग भी बच्चों को लेकर के शहर में जाना पसंद कर रहे हैं। कोई खोमचा बेचते हैं, कोई फरी बेचते हैं, तो कोई आलू कटर बेचते हैं, इसी तरह से फोचका बेचते हैं, अनेकों प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। अपराध की तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता कल ने प्रूफ कर दिया कि हमारे समय में और आपके समय में क्या स्थिति था। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो हैं माननीय देसी बाबू, उन्होंने बायोडाटा के साथ प्रूफ किया कि आपके यहाँ 101% अपराध बढ़ा है। अब इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकता है? ये तो हमारे हिंदुस्तान के हमारे बिहार के लिए शर्मनाक है। शासन राज आप कहते हैं हम कहते हैं, लेकिन वो आप ही का लेखा अनुदान करना है, वो आप ही का अधिकारी लोग दे रहे हैं लिख करके ना कि मेरे यहाँ क्या सिस्टम है। डीजल पेट्रोल की जो दाम बढ़ रही है ये तो अवसर्मनाक बात है। जब हमारे यूपीए का सरकार था, जब 108 रुपये बैरल जब मिलता था, उस वक्त हमारे यहाँ 71 रुपये से 68 रुपये तक डीजल और पेट्रोल का दाम था, लेकिन जब वो घट करके 60 रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया, फिर भी उसी रेट में मिलता रहा, और आज उससे बढ़ करके 100 रुपये हो गया। ये समझ लिए कि हमारे देश के दुर्भाग्य है। और एक समय ऐसा भी आया था 2020 में आरके मिश्रा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उन्होंने एक बात बोला था जब टेलीकॉम कंपनी को 147 करोड़ का बकाया रुपया था, जब मांगना चाहे उन्होंने दिलाने का प्रयास किया, जब ऑर्डर किया तो उनका एक टेबल का ऑफिसर उस चीज़ को रोक दिया। रोकने का मतलब साफ जाहिर है कि उच्चतम न्यायालय का अवहेलना करना, उच्चतम न्यायालय का आदेश को अवहेलना करते हुए विपरीत जाना। तब आर के मिश्रा ने कहा था कि ऐसे ऐसे जब स्थिति रहेगा तो हमारे
पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।